क्लास का चैप्टर वन आज चालू करेंगे। क्लास का चैप्टर वन टॉपिक का नाम है नोइंग आवर नंबर। नंबर को जानना, नंबर को समझना कि नंबर को कैसे तुम जानते हो, यह बात जानने का प्रयास। पहले यहां पर तुमको कंपेयर करना, यानी पहला जो टॉपिक है वह इंट्रोडक्शन है, नंबर को आप जान चुके हैं। दूसरा कंपेयरिंग नंबर, नंबर्स को कंपेयर करना है। तो कंपेयर करने का जो मेथोडोलॉजी है, पहले देखो एक अंकों की संख्या और दो अंक, अगर वन डिजिट का कोई नंबर होगा तो मैक्सिमम 9 होगा, लेकिन टू डिजिट का कम से कम 10 होगा, तो दो डिजिट वाला हमेशा बड़ा होगा वन डिजिट से। उसी ढंग से यहां पर टू डिजिट का 99, यहां 300, यहां पर ये। यानी कहने का सेंस ये हुआ कि वन डिजिट का जो ग्रेटेस्ट नंबर होता है वो नेक्स्ट वाला डिजिट के स्मॉलेस्ट से छोटा। यानी कंपेयर करने की अगर हम बात करें तो यहां सिंपल है, पहला क्वेश्चन में 92 392 445 4456 और 8974। देखो ये दो डिजिट का नंबर है, ये तीन डिजिट का नंबर है, ये चार का है, ये पांच, यानी यह क्लियर है कि बड़ा। इसी ढंग से तुमको ग्रेटेस्ट निकालना है, लेकिन अगर सबका डिजिट सेम हो, अगला प्रश्न है कि सबका डिजिट सेम या ऐसे, तब फिर हम कंपेयर करते। कैसे कंपेयर करते हो? पहला फोर डिजिट देखते हैं, ये दोनों बड़ा 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 है, तब दो डिजिट को देखते हैं, फिर तीसरा देखते हैं ये बड़ी है, यानी सबसे बड़ी, यानी पहले लास्ट वाले को देखते हैं, फिर सेकंड लास्ट, फिर थर्ड लास्ट, जो बड़ा होता है बड़ा हो जाता है, यानी ये ग्रेटेस्ट, यानी ग्रेटेस्ट नंबर सीखने में किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब भी कुछ क्वेश्चन आप लोग के लिए छोड़ता हूं, 3 8 2 4 9 7 2 18 5 9 7 8 5 और 7 5 0, ये सबसे बड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 1 4 7 3 8 9 4 2 3 100 5 1000 310। ये वाला बड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 3 4 7 5 2 8 4 1 1 और 2 3 3 4 5 0, ये वाला बड़ा। सिक्स नंबर क्वेश्चन 2 8 5 3 7 6 9 1 9 9 9 1 2 0 0 2 और 1 24, ये वाला बड़ा। यानी ग्रेटेस्ट नंबर पहचान में आ गया। आप जानते हो क्या करना है कि कौन ग्रेटेस्ट है कौन स्मॉलेस्ट, इसकी पहचान। यानी
आर द ग्रेटेस्ट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट। चलो यहां पर पहला क्वेश्चन देखते हैं। 4536, 4892, 4370, 4452। बी नंबर क्वेश्चन 15623, 15073, 15189, 15800। डी नंबर क्वेश्चन 25286, यहाँ पर 25245, 25270, 25210 और डी है 6895, 23787, 24569 एंड 24659। आप इसको आराम से चेक। सबसे पहले तो सब चार चार डिजिट का है। सब में चार है, बिल्कुल। नेक्स्ट में देखो, यहां पांच है, यहां आठ है, यहां तीन है, यहां चार है। सबसे छोटी पता चल गया ये है और सबसे बड़ी पता चल गया ये हो गया। अगला क्वेश्चन है ये वाला, इसको इसको घेर दो। पहला वाला में तो 1-1 है, सही है। 5-5 है, सही है। यहां देखो 6 है, यहां 0 है, यहां 1 है, 8। सबसे बड़ी 8 है, सबसे छोटी 0 है, यानी ये स्मॉलेस्ट नंबर हो गया, ये ग्रेटेस्ट नंबर। अगला ये बारी है, दो 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 सब में सेम है, पांच 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 पांच, पांच सब में सेम है, दो 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 भी सेम है। यहाँ 5 है, यहाँ 4 है, यहाँ 7 है और यहाँ 1। तो सबसे बड़ा 7 है, सबसे छोटा 1। इसी ढंग से ये वाला तो यार, ये 5, ये भी 5, तो सबसे छोटी, सबसे छोटी ये हो गया। बड़ा की बात करेंगे तो 24, ये भी वाला 24, ये 6 है, ये वाला बड़ा हो गया। यह बात बड़ा छोटा करने में तुम्हें कोई तरह का दिक्कत नहीं हुआ, यानी अब तुम्हें जो काम करना है, हाउ मेनी नंबर्स कैन बी मेक, नंबर बनाना है, उस नंबर को बनाने अगर आ जाएगा तो तुम्हारे पास काम हो जाएगा। यहाँ 2874 से सबसे बड़ी नंबर बनाना है, तो 8 को पहले, 7 को, फिर 4 को, 2 को, और सबसे छोटी नंबर बनाना है तो 2478। यह बात आपका क्लियर। तो आपको ग्रेटेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर, इसी ढंग से अगला 97, यहाँ 41 का है, तो बड़ी नंबर बनाना है तो 9741, छोटा बनाना है तो 1479। इसी ढंग से 4750 है, बड़ी नंबर बनाना है तो साइन फाउंड 40, यहाँ 0457। हम समझते हैं कि सभी स्टूडेंट को बनाने आ गया होगा, ये हमारी चांस सोच हमारा बिल्कुल सही है। अब अगर आ गया है तो हम बहुत बहुत धन्यवाद कि आ गया है, और नहीं आया है तो प्रयास करें। क्वेश्चन नंबर 1 आने में कोई तरह का दिक्कत नहीं। आप ग्रेटेस्ट स्मॉलेस्ट किसी नंबर को ट्वाइस बार करना है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि नाउ मेक द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर कैन बी यूजिंग द 1 डिजिट ट्वाइस। ये 387, बड़ा नंबर लाने के लिए 8873 करना पड़ेगा, लेकिन छोटा नंबर डालने के लिए 3378 करना, यानी 0 नहीं रहेगा तो छोटा को रिपीट करेंगे, अगर 0 रहेगा तो पहले अंक लिख देंगे, फिर 0 कर देंगे और 0 को रिपीट कर देंगे। आइए देखते हैं 9053, यहाँ 9950,
यहां हो जाएगा 5009। या आपको अगला है 049 है, तो 9940, यहाँ पर 4009। अगला है 851, यहाँ 8851, यहाँ 115। तो आपको ये भी क्वेश्चन बन गया है। अब हम मेक द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर यूजिंग एडी 4 डिफरेंट डिजिट। यहाँ पर पहला कह रहा है कि 7 जो है वह यूनिट प्लेस पर अ डिफरेंट बना, पहला 9 8, यहाँ 7 पहले से थे यहाँ से, और स्मॉलेस्ट बनाना है तो 1027। यह बात आपको करने आ गया है। अब ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है जिसमें बॉक्स में यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 9 लिखाएगा, 8 लिखाएगा, 7 लिखाएगा, हो गया। ये स्मॉलेस्ट नंबर बनाना तो 104, यहाँ 2 हो जाएगा, 9 यहाँ पर 100 प्लेस पर है, 9 को 100 प्लेस पर डाल दीजिए, यहाँ 8, 9 तो पहले से है, 7 6 स्मॉलेस्ट नंबर में यहाँ। यहाँ पर 1 रखेंगे तो 987, यहाँ पर 1 रखेंगे तो 0, यहाँ पर 2 और 3, ये आपका स्मॉलेस्ट, और ये बनाने में कोई तरह का दिक्कत नहीं है। आपको यहाँ पर इसी ढंग से 2 डिजिट 2 और 3 से बनाने हैं। स्टैंड द प्रॉपर ऑर्डर, हु इज द टॉलेस्ट, ये फोटो दिखाना है, ये फोटो हम चुके दिखा दे रहे हैं आपको, वो होगा तो देख लो, पेज नंबर 4 में खोल लेना। तो यहाँ पर नाम सुनो, रामधारी 160 सेंटीमीटर है, डब्ल्यू 154 है, मोहन 158 है, और शशि जो है 159 है, ये सबसे ज्यादा रामधारी लंबा है, यानी टॉलेस्ट वो हो गया। अब शॉर्टेस्ट कौन है, तो यहाँ पर डॉली है 154 सेंटीमीटर। इसी ढंग से आपको ये अरेंजमेंट करना है, तो अरेंजमेंट करने में सबसे पहले डॉली आएगी, डॉली के बाद मोहन आएगा, मोहन के बाद सचिन आएगा, सचिन के बाद मारी आएगा, और इसको जो सजाते हैं इसी को हम बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर, छोटा से बड़ा की, यानी 154, फिर 158, 159, 160, ये असेंडिंग ऑर्डर हो गया। ये डिसेंडिंग ऑर्डर करेंगे तो 160, 159, 158, 154, ये डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया। असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में कोई तरह का दिक्कत नहीं। अरेंज द फॉलोइंग नंबर डिसेंडिंग ऑर्डर, यहाँ 847 है, 9754 है, 8320 है, 571, तो सबसे छोटी ये है 571, 847, यहाँ 8320, 9754, ये असेंडिंग ऑर्डर में हो गया। अब बात रहा डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो 9754, 8320, 847, 571, ये डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया, ये असेंडिंग ऑर्डर हो गया। अब अगली क्वेश्चन पे देखेंगे, यहाँ पर बी नंबर का आ रहा है कि 9801, 25751,
3 6 5 0 1 3 8 8 0 2। तो सबसे छोटी नंबर 9 8 0 1 है, उसके बाद ये है, ओ ये तो बड़ा सज्जल, यानी 2 5 7 5 1 है, फिर 36 501 है, 38 802। अब डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाना है नीचे वाले का, यानी 2 का 1 तुमको 5000 है, 7500 है, 8 5 4 0 0 है, और 7 8 6 1। तो सबसे पहले 5000 आ जाएगा, फिर 6 1 5, फिर 7 8 6 1, 8 5 4। ये असेंडिंग ऑर्डर होता है, डिसेंडिंग ऑर्डर करना होता है, उलट देंगे ये उलट। हम समझते हैं कि इसमें समझने में, अब बी नंबर 1 9 7 1 4 5 3 2 1 8 8 7 1 5 और 9 2 5 4 7। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है तो सबसे बड़ी ये है, तो 9 2 5 4 7 8 8 7 1 5 4 5 3 2 1 1 9 7 1, ये आता है। अब यहां तक में कोई तरह का दिक्कत नहीं है। अब आप ये चैनल जो देख रहे हैं, क्रिएटर सुपर 30 चैनल को देख रहे हैं, इसका मकसद एक ही है कि मैथ्स को सिखाना। अब शिफ्टिंग डिजिट 1.2 में आपका शिफ्टिंग डिजिट की बात है, डिजिट कैसे शिफ्ट होगा यह बात क्लियर है। अगर मान लीजिए पहले से 7 9 5 है, अगर हम उलट देंगे तो 5 9 7, यानी हम कह रहे हैं कि फर्स्ट वाला थर्ड हो जाए, थर्ड वाला फर्स्ट हो जाए, यह बात आपको आ गई। अब हम जो करने जा रहे हैं वह करने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन 10,000। 10,000 कैसे आए? देखो 9 में जोड़ा तो 10 हो गया, और 10 को 1 से गुना किया तो 10, 99 प्लस 100 हुआ, यानी 10 को 10 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तब 99 में 1 जोड़ा तो 1000 हुआ, 10 को 100 से मल्टीप्लाई। यानी तुम कह सकते हो कि ग्रेटेस्ट डिजिट सिंगल डिजिट में 1 जोड़ते हैं तो 2 डिजिट मिलता है, 2 डिजिट के ग्रेटेस्ट में 1 जोड़ते हैं तो 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट मिलता है, और 3 डिजिट में 1 जोड़ते हैं तो 4 डिजिट का। अब इसी पर 10,000 का एंट्री होगा, यानी हम कह सकते हैं कि 4 डिजिट का मीन 1 जोड़ते हैं तो ये 10,000 होता है, यानी 10 into 1,000। This is the entry of this type A question आप निकालना चाहेंगे। जैसे 78 है तो 7 into 10 प्लस, यानी 278 है तो 2 into 100, 7 into 10 प्लस, ये इसकी प्लेस वैल्यू। यानी आपको यहां समझना है प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू, और फेस वैल्यू प्लेस वैल्यू आपने सीख चुका। अब यहां 8 9 3 2 4 है, इसको हम यूनिट कहते हैं, यानी 10 के पावर 0 यानी 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको 10 यानी 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, 10 के पावर 2 यानी 100 से करते हैं,
यहाँ 10 के पावर 3 मतलब 1000 से, यहाँ 4 मतलब 10,000, यानी इसको हम लिख सकते हैं 8 × 10,000 + 9 × 1,000, 3 × 100, 2 × 10 और 5 × 1। इसको लिखने में अगर किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत है, तकलीफ है, तो बोल सकते हो, पता चलेगा, तकलीफ रहेगा तब ना सर। यानी इसको कैसे लिखो, 4 × 10,000, 7 × 1,000, 6 × 100, 3 × 10 + यह लिख सकते हो बिल्कुल। अब इंट्रोडक्शन 1 लाख, 1 लाख कैसे होगा, 99,999 + 1 करोगे तब 1 लाख। लाख का एंट्री हो गया 2, 4, 6, 8, 5, 3, ये यूनिट, ये 10, 100, 1000, 10,000 लाख, यहां पर लाख आ गया। ये लाख को आप लोग जानते हैं। अब कुछ भी लिखना रहेगा तो आप लिख सकते हैं, यानी 2 लाख 4 10,000 + 6,000 + 8 100, 5 × 10 + हम समझते हैं ये भी एंट्री आपकी। अब यहां पर लार्जर नंबर के बारे में, 10 लाख की एंट्री, तो कैसे होगा, ये बढ़ते चला जाएगा, यानी ग्रेटेस्ट में से 1 जोड़ देंगे तो निकल जाएगा। अब 100 मतलब 10, 10, 1000 मतलब 10 100, 1 लाख मतलब 100,000, 1,100, 1 करोड़ मतलब 100 लाख, या 10,100, यह बात आपको आ गया। अब पढ़ना सीखो, पढ़ो 2, 7, 9, 4, 5, 3। यूनिट 10, 100, 1000, 10,000 लाख, यानी 2,79,400 अगला है 5,035,472, यूनिट 10, 100, 1000, 10,000 लाख, 10।
यानी 50,35,472, यानी करने में दिक्कत हो रही है तो कौन बनाएगा, यानी एंट्री ऑफ कॉमा, कॉमा आ गया, यानी यूज ऑफ कॉमा। कॉमा की बात करें तो यहां पर दो ढंग से कॉमा लगता है, एक इंडियन सिस्टम, एक सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। इंडियन सिस्टम में कैसे कॉमा लगता है, इंटरनेशनल सिस्टम में कैसे कॉमा लगता है, ये चीज को सीखेंगे। इंडियन सिस्टम में कॉमा कैसे लगता है और इंटरनेशनल सिस्टम में कॉमा कैसे लगता है, पहले ये चीज को सीखें। इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम, तो इंडियन सिस्टम में जो कॉमा लगता है वह कैसे लगता है, पहले यूनिट, 10, 100 कॉमा, फिर इसको 1,000, 10,000 कॉमा, लाख, 10 लाख कॉमा, करोड़, 10 करोड़ कॉमा, यानी पहले 3 फिर दो 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 लगता है, इसको यूनिट कहा जाता है। ये वाले 1,000, ये वाले को लाख करोड़। हम समझते हैं कि पढ़ने आ गया, इसी को बोलते हैं इंडियन सिस्टम, यानी इंडियन सिस्टम, ये आपका आ गया, ये यूनिट है, ये आपका 1,000 है, ये आपका लाख है, ये आपका करोड़, यानी 5 करोड़ 8 लाख 1,592। दिस इज 322 एंड 40,78, यानी 3 लाख, सॉरी 3,32,40,481। अगली है 7,27,05 और 0,62, यानी 7,27,05,062। अगर सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल की बात करें तो अगली में हम बात करते हैं सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल का, तो पहला 3 तो होता है, इसको यूनिट बोलते, फिर 3 वो होता है, इसको 1,000 बोलते हैं, अगला 3 को होता है, मिलियन बोलते हैं, अगला 3 को होता है, बिलियन बोलते हैं, अगला 3 को होता है, ट्रिलियन बोलते हैं। ये सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल है, यानी पहला यूनिट 1,000, 1,000,000, बिलियन, ट्रिलियन, ये आपको करने आ जाएगा, आ जाएगा, आ जाएगा, आ जाएगा। हम समझते हैं कि अब कॉमा लगाने वाला क्वेश्चन हम आपको यहाँ पर पूछते हैं, कि पढ़ने बहुत अच्छे से आ गया। रीड दीज द नंबर्स विच ऑफ द प्लेसमेंट बॉक्स इज द डिटेल दे आर द एक्सपेंज 4,7,5,3,2,0। अगर आप इंडियन सिस्टम में इसको बदलेंगे तो 3,2,0 कॉमा 7,5,4, लेकिन इंटरनेशनल सिस्टम में बदलेंगे, यानी सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, तो 3,2,0 और 4,7, 4,7,5,
यानी ये पढ़ाएगा 475,000 एंड 320, ये पढ़ाएगा 4,75,000 320। अगला प्रश्न, यहां पर 9,847,215, इंडियन सिस्टम के अनुसार 2 × 5, 5, 4, 7 और 98, यानी हम पढ़ेंगे 98,47,250, और इधर हम लोग पढ़ेंगे 215,847 और यहाँ 9 पढ़ेंगे 847,215। इसी ढंग से तीसरा वाला 9,764,531,0, इंडियन सिस्टम में 3,10,645,97 और इस सिस्टम में 310,645,097। क्वेश्चन नंबर 4, 30,458,094 0,94,458,30, यहाँ पर 0,954,45, ये गलती हो गई ना, ये 6 यहाँ पर दे देगा, यहाँ गलती हो गई है, रेड पेन का इस्तेमाल, यहाँ 310 पहले कॉमा 45 जो दो अंक लेते हैं, गलती हो गई सॉरी, 76, 9, इसी ढंग से पहले 3 अंक, फिर 5804 3, ये 3 3 अंक ही पूरा लेता है। हम समझते हैं कि समझ गए, समझ समझ के समझना सीखो, समझ समझ में एक समझ है, समझ समझ के जो ना समझे, मेरे समझ में ना समझ है, मेरे में बोला करो। अब एडिट दी नंबर्स पढ़ने तो आ गया, अब आराम से एक्सरसाइज 1.1 यहां पर बनाना है। यहां पर 1,00,000 कितना थाउजेंड लिखा जा सकता है, तो थाउजेंड होता है 1,000, 10,000 बोल रहा है तो 10 से मल्टीप्लाई करोगे 10,000। उसी ढंग से 1 मिलियन को, तो 1 मिलियन पर 10,00,000 होता है, 100,000 करोगे तो 10 से मल्टीप्लाई करोगे, 1 करोड़, 10,00,000 तो 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1 करोड़ है तो 10 मिलियन को कहा जाता है, 1 मिलियन कितना लाख होता है तो 10,00,000 होता है, ये तुम्हारे पास आराम से आ गया। क्वेश्चन नंबर 2, प्लीज द कॉमा करेक्टली एंड राइट द नंबर्स 73,00,000, 75,000, 307। दूसरा 9,05,00,000 41 कह रहा है तो 1,000 नहीं 0.41। सी नंबर 7,00,000
52 लाख, 21,000, 102। एट मिलियन, 3 अंक में, 420,202। ई में 23 लाख, 30,010। बिल्कुल पढ़ने और लिखने आपको आ जाएगा, माने इंडियन सिस्टम में पहला 3 के बाद कॉमा, फिर दो 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 दो, और सिस्टम इंटरनेशनल में 3 3 कॉमा ही होगा। यानी अब क्वेश्चन नंबर 3 जो है वह इंडियन सिस्टम में लिखना है, तो 8 7 5 9 5 7 6 2 है, 3 3 के बाद 2 2 के बाद कॉमा, इसको वंस बोलते हैं, थाउजेंड बोलते हैं, लाख बोलते हैं, करोड़ बोलते हैं। 8 करोड़ 75,000, 75,95,762, एंड बी नंबर 8 5 4 6 2 8 3 है, पढ़ा जाएगा 35,46,283। सी नंबर है 9 9 9 000 4 6 है, 9 करोड़ 99,000, 9 करोड़ 99 लाख 46। इसी ढंग से 9 8 4 3 2 7 0 1 है, कॉमा, यहाँ पर 9 करोड़ 84,84,32,007। अब यहाँ पर जो हम लोग बात करेंगे वह बात अब हम 4 नंबर पर करें, यह इंटरनेशनल सिस्टम में लिखना है, इंटरनेशनल सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम। यहाँ पर 7 8 9 2 1 0 9 2 है, तो 3 3 का पेयर बिठाएंगे, यह मिलियन हो जाएगा, 78,921,092। इसी ढंग से बी नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, 7 4 5 2 2 8 3, 3 3 का पेयर, तो यहां मिलियन 007,452,283।
यदि कॉमा अगर आपके पास आ गया तो हमें नहीं लगता है किसी स्टूडेंट को पढ़ने में कोई तरह का दिक्कत। 99,985,102, अगला यहाँ पर 4804,9831, तो यहाँ पर 48,049,831। ये आपकी एक्सरसाइज की पहली प्रभाव समाप्त हुआ। हम लोग ब्रेक नहीं लेंगे क्योंकि ये मैराथन क्लासेज है, इसमें लगातार हम लोग चलते रहेंगे, हम लोग रुकने वाले नहीं हैं, क्योंकि रुक करके भी हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक ये चैप्टर कंप्लीट नहीं हो जाता है तब तक हम रुकेंगे नहीं। अब लार्ज नंबर का हम प्रैक्टिस करेंगे, यहाँ पर प्रैक्टिस करने से एक चीज तुम्हें मैं बताता हूं, अगर यह चीज तुमको आ गया तो ये प्रॉब्लम ही समाप्त हो जाएगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि प्रॉब्लम आए ही, जो भी प्रॉब्लम है उसको शॉर्ट आउट करें। आइए देखिए, यहाँ पर ये 10^0 है जिसे यूनिट कहा जाता है, ये 10^1 को डेटा कहा जाता है, 10^2 को हेक्टो हेक्टो कहा जाता है, 10^3 को किलो कहा जाता है, 10^4 को 10 किलो 10 किलो, 10^5 को 100 किलो, इसी ढंग से 10^6 को जीगा। इधर आ जाओ भाई, 10^-1 को डेसी, 10^-2 को सेंटी, 10^-3 को मील। अब यहां पर 10^-4, 10^-5 और 10^-6, यहां ये माइक्रो है, ये 10 माइक्रो है, ये 100 माइक्रो है, तब मिली। यानी एक बार इसको अच्छे से पढ़ना आ जाए नंबर लाइन पे, क्योंकि नंबर लाइन पर लोगों को पढ़ने नहीं आता है, चेंज करेंगे क्या, पढ़ना तो ही अलग चीज। तो आइए, ये केमिस्ट्री में भी काम देगा, फिजिक्स में भी काम देगा, ये 10^0 है जिसे यूनिट कहते हैं, ये 10^1 है डेका, 10^2 है हेक्टो, 10^3 है किलो, 10^4 है 10 किलो, 10^5 है 100 किलो, 10^6 है मेगा, 10^7 है 10 मेगा, 10^8 है 100 मेगा, 10^9 है जीगा। इधर आए, 10^-1 को डेसी, 10^-2 को सेंटी, 10^-3 को मिली, 10^-4 को 100 मेगा, 100 माइक्रो, 100 माइक्रो, 100 माइक्रो, 100 माइक्रो, 10^-5 को 10 माइक्रो और 10^-6 को माइक्रो, इसी ढंग से 10^-7 को 100 नैनो, 10^-8 को 10 नैनो और 10^-9 को नैनो। ये पहले करने आ गए, अब ये करने आ गया तो तुमको चेंज करने आ गया, क्योंकि चेंज करने में यही बात है, जैसे तुमसे कोई कहेगा कि 10 मिलीमीटर तो 1 सेंटीमीटर हो गया, 10 सेंटीमीटर तो 1 मीटर हो गया, 10 मीटर तो 1 डेकामीटर हो गया, यहाँ 10 डेकामीटर तो 1 किलोमीटर हो गया। हम समझते हैं कि ये समझने में अब कोई तरह का दिक्कत नहीं है और यहाँ पर सिंबल भी अच्छे ढंग से समझ गया है। अगर समझ गए हैं तो कोई तरह का दिक्कत नहीं। अब चलिए हम लोग सामान जो भी लेना है वो ले करके अब यहाँ पर
काम किया जाए। तो अब यहाँ पर जो हमारी जो प्लानिंग है, ये जो हम काम करने का जो तरीका है, आइए देखते ये बस स्टार्ट जर्नी एंड रीचेज द डिफरेंट प्लेस विद द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। द जर्नी शो इज द पेज 14। कैसे कैसे भैया, 14 नंबर पेज पर है, मैं दिखाऊंगा। फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर बाय द बस ए टू डी, ये निकालना है। बीपी फिगर पर दिखाऊंगा दिखाऊदार। फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर बाय द बस डी टू जी। फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर बाय द बस इट हैज स्टार्टेड ए रिटर्न टू फिर ए। कैन यू डिफरेंट डिस्टेंस फ्रॉम सी एंड डी एंड डी टू ई। आइए इसकी फिगर पहले देना पड़ेगा तब बनेगा। तो यहाँ पर फिगर को हम गौर से पहले बना देते हैं। फिगर में क्या है यह बात जानने की आवश्यकता, इस आवश्यकता को हम पूरा करने का तैयार में। यहाँ ए है, ए से बी गया है 417 किलोमीटर। बी से सी थ्री फोर वन किलोमीटर, सी से डी 216 किलोमीटर, डी से ई 814 किलोमीटर, यहां से ई 483 किलोमीटर। एफ से जी 255 किलोमीटर, और जी से ए पुनः फिर बस पहुंच। बस ऐसे चल रही। पहला प्रश्न जो पूछ रहा है हमें, वह प्रश्न पूछिए। ए से डी जाने, ए से डी गए तो पहले चला 917, 3410 और 2160, इसको जोड़ के आएगा 16। दूसरे प्रश्न है तुम्हारे पास, डी से जी, डी से जी गए यहां पर 8140, 4830 और 2556। अगला है ए से यानी पूरा जुड़ जाएगा। अगला है सी से डी ए और डी से ए। फाइंड आउट द टाइम टेकन बाय द बस विच इज ए टू बी। अरे भाई टाइम चला था 60 के स्पीड से। हाँ इसको 60 से भाग देगा जो होगा सो। सी से डी जाने में 60 से डिवाइड कर, ई से जी जाने में ये दोनों को जोड़ के 60 से डिवाइड कर, टोटल जर्नी में पूरा करके उसको 60 से डिवाइड कर दो। हम समझते हैं कि बन जाए। अब रमन के शॉप पे हम गए हैं और वहां पर एप्पल 40 रुपये पर केजी है, ऑरेंज 30 रुपये पर केजी, कॉम्स 3 रुपया एक कॉम, टूथब्रश 10 रुपये, पेंसिल 1 रुपये, नोटबुक 6 रुपये, शॉप केक एक। अब लास्ट ईयर में एप्पल लिया गया 24,457 केजी और ये 40 रुपये था, यानी 0 का 0, 5 का 20, 7 का 28, 30 और यहाँ पर 4 था, 4 चौक 16, 3 19 और 4 2 8, 1 9, यानी इतना 99,000 का एप्पल्स लिया गया।
ऑरेंज 30 रुपये केजी था और 3004 केजी ली गई। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाए, कॉम कितना लिया गया, टूथपेस्ट कितना लिया गया, यानी टोटल सालाना आप खर्च निकाल सकते हैं कि आपके घर में मम्मी पापा कितने खर्च करते हैं, यानी पेरेंट्स कितने खर्च करते हैं। ये सारी चीज आप निकाल सकते हैं, आप घटा सकते हैं। यह चीज के लिए एक्सरसाइज दी गई है। अब एक्सरसाइज 1.2 हम लोग करेंगे। अब यहां पर हम क्वेश्चन 1.2 का है, सारे क्वेश्चन इसी पर है, खाली आपको पढ़ना है। अगर एंड दिया हुआ रहेगा तो ऐड हो जाएगा, उसमें से घटाने की बात होगी सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। अगर इतना चीज दिया हुआ है, मतलब अगर दिया हुआ है कि 5 एप्पल्स का दाम या 5 बुक्स की दाम इतना है, तो 1 बुक का डिवाइड हो जाएगा। अगर 1 बुक का दाम इतना है तो 5 में वो हो जाएगा। तो हम समझते हैं कि यहां पर समझने में कोई तरह का दिक्कत नहीं। अगर दिक्कत है तो आप बोल सकते हैं, तो यहां पर दिक्कत नहीं। तो ये क्वेश्चन आराम से होते चला जाएगा। जैसे मैं एक क्वेश्चन को बोलता हूं, ए बुक एग्जीबिशन हेल्ड फॉर द 4 डेज स्कूल, द नंबर ऑफ टिकट सोल्ड, द काउंटर, द फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फाइनल 1094 1892 2050 2751, टोटल कितना हुआ 4 डेज का, तो ऐड कर। इसी ढंग से है शेखर, इज ए फेमस क्रिकेटर और स्कोर बनाया 6980 रन 10 मैच में, अगला कंप्लीट 10,000 रन किया, तो हाउ मेनी मोर रन डज मीट। अगर 10,000 पूरा करना है तो इसमें से घटाएंगे तब होगा। अगला इन इलेक्शन द सक्सेसफुल कैंडिडेट रजिस्टर्ड 5,77,500 वोट एंड द नियर लेफ्ट 3,48,700, इसमें से इसको घटा देंगे तो जीत जाएगा सक्सेसफुल, क्योंकि एक आदमी का 5,77,500 आया, दूसरा का 3,48,700 आया। कृति बुक स्टोर होल्ड जो है 2,85,892 और 4,78,000, इसमें से कितना हुआ, दोनों को जोड़ देंगे तो आ जाएगा। अगला हमारे पास फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट 5 डिजिट नंबर। ग्रेटेस्ट नंबर का अगर हम 5 डिजिट का निकालेंगे, क्वेश्चन नंबर 5, तो 7,6,4,3,2, स्मॉलेस्ट नंबर 2,3,4,6,7 घटा के लिख देंगे तो हो जाएगा। ए मशीन एवरेज मैन्युफैक्चरिंग 2,825 पर डे और 2006 के जनवरी में, तो जनवरी की महीना 31 होती है, 31 से मल्टीप्लाई करें। 7 नंबर क्वेश्चन कहता है कि ए मर्चेंट हैड 7,8,592 एंड 400 रेडियो सेट 1,200 में कीना, बच्चों को 48, हाउ मच द रिमेनिंग आफ्टर परचेज, इतना पैसा लेके गया था, इतना परचेज किन लिया, तो पैसा जो घटा बचा उस हो गया। अगला है ये 7 नंबर क्वेश्चन था। 8 नंबर है स्टूडेंट मल्टीप्लाई 7,236 by 60, लेकिन 7,236 को मल्टीप्लाई कर दिया 5 से, अब क्या डिफरेंस होगा ये कर लेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करके ये वाला बड़ा होगा ये वाला छोटा होगा, हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, टू स्ट्रीट्स द साथ 2 मीटर 15 सेंटीमीटर और 40 मीटर को लॉन्ग, तो इससे कितना बनेगा तो देख लेना है। यहाँ 40 को सेंटीमीटर में करेंगे तो 40 100 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये 215 हो जाएगा। अब इससे इसको डिवाइड करके देख लेना है,
मर्चेंट पैक्स बॉक्स जो है 4 केजी 500 ग्राम, और मैंने यहाँ पर 800 केजी कह रहा है तो बन जाएगा, इसी ढंग से बनते चला जाएगा। यानी ये चैप्टर बनाने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगला है एस्टिमेशन। यानी इसका मतलब होता है लघु। इस्टिमेशन करने का रूल है कि जिसका हम करेंगे, अगर 0 रहेगा, 1 रहेगा, 2 रहेगा, 3 रहेगा, 4 रहेगा, तो इसको इग्नोर कर, और 6 7 8 9 में एक जोड़ देते हैं। तो प्रश्न होगा कि 5 में क्या करेंगे, 50 50 का चांस। अगर 5 के पहले इवेन हो तो इग्नोर कर देंगे, अगर 5 के पहले ऑड है तो एक जोड़ दें। जैसे एक क्वेश्चन हम करके आपको दिखाते हैं, जैसे यहां पर 10 है, यहां पर 20, और यहां 11 है, 12 है, 13 है, 14 है, 15, 16, 17, 18, 19। अगर ये हम देखें एक डिजिट में, तो ये इसके पास चला जाएगा, ये भी इसके पास, इस भी इसके पास, ये भी इसके पास, यानी 16 को भी अप्रोक्सीमेट में 20 लिख सकते हैं, 17 को अप्रोक्सीमेट में 20 लिख सकते हैं, 18 को भी 20 लिख सकते हैं, 19 को भी 20 लिख सकते हैं, और 20 को 20 लिख सकते हैं। इसी ढंग से 11 रहेगा तो अप्रोक्सीमेट 10 कहलाएगा, 12 में भी 10 कहलाएगा, 13 में भी 10 कहलाएगा, 14 में भी 10। अब बात हुआ 15 का, तो 50 50 का चांस है यहाँ पर, इसके पहले ऑड है ये 20 है। लेकिन यही प्रश्न अगर ऐसे होता, यहाँ 20 होता, यहाँ 30 होता, नंबर लाइन ले लेते, यहाँ 21, 22, 23, 24, 30, 26, 27, यहाँ 26 को हम 30 लिख सकते हैं, 27 को भी 30 लिख सकते हैं अप्रोक्सीमेट, 28 को भी 30, 29 को भी 30, यहाँ 21 को 20, 22 को भी 20, 23 को भी 20, 24 को भी 20, यहाँ 25, 50 50 का चांस, क्योंकि इवेन है इसलिए 20, 25 के पहले यहाँ ये दो इवेन है। अगर यह बात आप लोग समझ गए हैं तो अप्रोक्सीमेट को समझ गए हैं, यानी कहने का सेंस कि अगर 10 के अप्रोक्सीमेट कहा जाए तो यहां पर 10 के अप्रोक्सीमेट में अगर 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो छोड़ देंगे, और 6 7 8 9 को जोड़, 5 रहेगा तो 50 50 का चांस, 5 के पहले इवेंट रहेगा तो छूट जाएगा, और 5 के पहले ऑड रहेगा तो जुट जाएगा, यही हम आपको बताएं। इसी ढंग से अगर अप्रोक्सीमेट 100 की बात करेंगे तो 100 का आधा 50 हो गया, यानी 0 से 49 तक छोड़ देंगे, 51 से 99 तक एक जोड़ देंगे, और 50 में 50 50 का चांस देखेंगे, 50 के पहले इवेंट है तो इसको छोड़ देंगे, और ऑड है तो जोड़ देंगे। जैसे कुछ क्वेश्चन ही रहता है, आओ क्वेश्चन करते हैं। तो हम समझते हैं कि क्वेश्चन करने में आपको कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा, एस्टिमेशन आप बिल्कुल आप सीख गए हैं, इसमें कोई दिक्कत अगर है किसी स्टूडेंट को तो बोल सकता है। तो इसी ढंग से अब हम सम करेंगे, सम करके एक्सरसाइज पर आते हैं, एक्सरसाइज 1.3। एस्टिमेट द फॉलोइंग यूजिंग द जनरल रूल 7309।
बन जाए। आठ आठ, 9 दिन 12, 9 7 16, 1 साल 1728। अगर एक यूनिट मिस कर देते हैं तो 1730 हो गए, दो पर देखेंगे तो 1700 हो गए, और तीन पर देखेंगे यहाँ पर, इस पर डिसीजन हो जाएगा 2000। हम समझते हैं कि बनाने में किसी को भी कोई दिक्कत नहीं है और अच्छे से बनाने आ गया है। इसमें हमें नहीं लगता है कि किसी स्टूडेंट को कोई तकलीफ हुआ होगा, आराम से बनते चला जाएगा। अब ब्रैकेट का यूज, जैसे ब्रैकेट जब हम सेपरेट सेपरेट जब हम करते हैं तो ब्रैकेट की आवश्यकता पड़ती है। सेपरेट सेपरेट करने के लिए ब्रैकेट की आवश्यकता पड़ता है। जैसे तुमको गुना करना है 7 × 109, तो 7 का 7 कर दो, यहाँ ब्रैकेट इस्तेमाल कर दो, 100 + 9 कर दो। अब 100 से मल्टीप्लाई करना तो आसान है, 7 × 63 यानी 763 आ गया। हम समझते हैं कि बिल्कुल ब्रैकेट का आ गया क्रिया करने। अगर इसमें किसी को कोई दिक्कत है तो बोल सकते हो। अब यहां पर भी दिक्कत तुम्हारे पास नहीं। अब तुम्हारे पास जो है लास्टली जो बात करना है वह बात करना है रोमन रोमन अंक। यहां पर रोमन न्यूमरल्स। तो देखो यहां पर A1, 5, 10, 15, 100, 500 और 1000। अब प्रश्न ये उठता है कि कौन रिपीट करेगा। वन रिपीट करेगा, ये 2 लिखा सकता है, 3 लिखा सकता है। अब बात है कि 4 कैसे लिखाएगा। ये वाला 3 3 बार रिपीट कर सकता है, यानी 20 लिखना रहेगा, 20 यहां पर 30। आपको 100 लिखना है तो सी 200 और 300। इसी ढंग से 1000, 2000, 3000। रेड पेन वाला तुम समझ गया है। अब तुम्हारे पास कम और ज्यादा की बात करें। तो देखो ये 5 है यानी 5, ये ऐसे कर दिया तो 6, ऐसे कर दिया तो 4, यानी 5 का ये काम कर सकते। 10 भी कर सकते हैं, ये 10 है, ऐसे लिख दिया तो 11, ऐसे लिख दिया तो 9। लेकिन सी जो है वो दूसरे कलर से करना पड़ेगा। यहां सी ऐसे सी है तो 100, ऐसे लिख दिया सी तो 90, और ऐसे लिख दिया तो 110। यह बात तुम्हारे पास क्लियर। इसी ढंग से डी के पास
और सीढ़ी लिखा हुआ है तो 400, ये 500, बीसी लिखा है तो 600। यह बात तुमको कर आ गया, इसमें कोई तरह का दुख की बात नहीं। यानी रोमन अंक को आप अच्छे से लिख सकते हैं। अब इस पर क्वेश्चन आंसर की कुछ डिस्कशन होगी और हम लोग देखते हैं क्वेश्चन आंसर का डिस्कशन का। अगर कोई चार को लिख देता है एक्स एक्स एक्स, ये होगा नहीं होगा, तो 40 लिखाएगा कैसे? ये एल हो, ये 40। इसी ढंग से कोई भी एक्स लिखे रहा होगा, वो लिखना चाह रहे 5, 5 ही होगा। कोई आई से लिखना चाह रहा हो, ये नहीं होगा, वो चाह रहा हो 99। यहां 100, यहां 10, 90, 99। ऐसे कोई चाह रहा है 10, 10, 10, 20 चाहा तो 20 ऐसे है, तो ये नहीं होगा। इसके जगह पर क्या होगा ये भी जान गया। अब तुमको 73 निकला, तो पहले 50, फिर 20 और फिर 30। 50 के लिए एल और 20 के लिए डबल एक्स और 3 डबल वाई। अगला 92 लिखना, तो 90 प्लस 2, 90 तो ये है आई टू। हम समझते हैं यह सभी लोगों को लिखने आ गया है। आप जो चैनल देख रहे हैं ये क्रिएटर सुपर 30 चैनल को देख रहे हैं, जिसका एक ही मकसद है सब लोग को अच्छे से सिखाए। अब 69 का करना हो तो 50 और प्लस 19, 50 के लिए तो ये हो गया, 19 के लिए हम लोग का यहाँ 10 फिर 9, 98 है, तो 90 चाहिए और 8 चाहिए। 90 के लिए ये हो गया, 8 के लिए 95 और 3 98। इस ढंग से आपका हो जाएगा, यानी 98 को ऐसे भी लिख सकते थे कि 100 माइनस 10 प्लस 8। 100 के लिए जानते हैं 10 माइनस हुआ 3 5 3। हम समझते हैं कि आप लोग समझ गए हैं। तो आप लोग ने क्या सीखा यह आप हमें जरूर बताएं। तो व्हाट हैव बी द डिस्कस नोइंग आवर नंबर्स, एसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, ये सारे चीज, स्मॉलेस्ट नंबर, कॉमा का कंसेप्ट, ये सब आप लोग ने सीख गया है। अब हम लोग एक